गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस. तो इसके बारे में आज हमको बात करना है और उस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, समझना है कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो शेडेड एरिया होता है वो किस चीज़ को बताता है ना. तो आज हमको किसके बारे में देखना है, आज हमको देखना है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इसके बारे में हमको आज हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हुई थी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसमें आपने देखा था कि इधर टाइम एक्सिस है और इधर मान लीजिए वेलोसिटी है और कोई ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है. मान लीजिए इस तरह से कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर स्पीड है. क्या दिया हुआ है? स्पीड. और कोई ग्राफ है इस तरह से. अगर कहा जाए कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता था, स्लोप का मतलब कि ये जो थीटा है इसका टेन थीटा निकाल दीजिए. टेन थीटा क्या हुआ? स्लोप ऑफ ग्राफ. क्या हुआ भाई? स्लोप ऑफ ग्राफ. तो जो स्लोप होता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता था? वो देता था एक्सेलरेशन. क्या देता था? एक्सेलरेशन. उसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ का भी तो कुछ ना कुछ स्लोप होता था. यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा टेन थीटा. या स्लोप का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस. क्या बताया था? मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस. इस तरीके से मैंने बताया था कि स्लोप को आप निकालते हैं, या तो ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो इस फॉर्मूले से, और नहीं तो फिर आप इस फॉर्मूला से निकालो. स्लोप वगैरह का बात हम कर चुके थे. तो स्लोप जो होता था स्पीड टाइम ग्राफ का, ये भी क्या देता था? ये भी देता था एक्सेलरेशन. क्या देता था? एक्सेलरेशन. तो स्लोप की बात तो हम पहले वाले क्लास में कर चुके हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी एक्सेलरेशन देगा. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, दिस एरिया, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, ये एरिया किस बात को बताएगा? उसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो ये एरिया किस बात को बताएगा, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, जो भी ग्राफ, जरूरी नहीं कि ग्राफ इस तरह का हो, ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है. मान लीजिए इधर टाइम एक्सिस है और इधर वेलोसिटी दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है ग्राफ इस तरीके से कुछ, तो इसका भी तो एरिया हुआ, ये शेडेड रीजन का एरिया. तो ये जो एरिया होगा ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं हम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो एक्सेलरेशन को बताएगा ही. आज हमको बात करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होगा वो जितना एरिया को इंटरसेप्ट कर रहा होगा, जितना शेडेड एरिया होगा उसका, वो एरिया किस चीज़ को बताता है. तो बेसिकली आज हमको इसी पर बात करना है, एरिया पर, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, या स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो किस चीज़ को बताएगा, इस पर बेसिकली हमको बात करना है. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि पढ़ाई क्या करना है आज. अब हम आते हैं एरिया पर, है ना. चलिए, तो सबसे पहले इसको मिटा करके अब एरिया के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं. ठीक है, एरिया के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि एरिया है क्या, एरिया किस बात को बता रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर कुछ है एरिया तो वो एरिया किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के बारे में हमको बात करना है. ठीक है, मान लो आप ये
कि कोई एक्सिस है, मतलब सबसे पहले तो आपको एक बात समझना होगा कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई बॉडी. क्या? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई बॉडी. पहला बात तो ये याद रखना है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या बताएगा, एरिया, एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, और स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन को. उसी तरीके से दूसरा बात ये है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी. ये डिस्टेंस को बताता है. दोनों के बारे में जरा बात करना चाहते हैं. मान लीजिए इस तरीके का कुछ एरिया है, ये टाइम एक्सिस है और ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना. और उसी तरीके से यहां भी सेम ग्राफ है, मान लीजिए, सिर्फ अंतर क्या चीज का है, इधर टाइम दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है स्पीड. और ग्राफ कुछ इस तरीके से, सेम ग्राफ, वही ग्राफ इधर भी है, फर्क यह है कि यहां पर स्पीड है और यहां पर क्या है, वेलोसिटी है. और मान लीजिए टाइम दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए यहां पर टी वन और यहां पर क्या दिया हुआ है, टी टू. सिमिलरली यहां पर टाइम क्या दिया हुआ है, टी वन और यहां पर क्या दिया हुआ है, टी टू, टाइम दिया हुआ है. तो बताइए यहां से यहां का जो टाइम इंटरवल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन. हम सिर्फ यहां से यहां के इस बीच की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. ये टाइम कितना हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन. एक्चुअली में ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है. यहां से यहां का जो टाइम है वो क्या है, टी टू. यहां से यहां का जो टाइम है वो क्या है, टी वन. तो इतना कैसे निकलेगा, टी टू माइनस टी वन. और इस टी टू माइनस टी वन को ही क्या बोलेंगे हम, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल. उसी तरीके से यहां की अगर बात करें हम तो ये क्या है, टी टू माइनस टी वन और ये बराबर किसके है, डेल्टा टी के है. ये बात समझ में आ रहा है. अच्छा ये बता दो आप, अब आपसे कहा जाए कि T1 और T2 टाइम इंटरवल के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो कैसे निकलेगा ये, इसका नाम दे दो A, B, C एंड D. इसका भी नाम दे दो A, B, C एंड D. अब कहा जाए कि T1, T2 के बीच में बॉडी जो चला है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो या डिस्टेंस निकालो. तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बिटवीन T1 T2, बिटवीन T1 एंड T2, मतलब बॉडी T1 और T2 के बीच में चला है, मान लो 10:05 से लेके 10:07 तक चला, तो इन दो मिनट में कितना चला. सवाल तो बनता है कि इन दो मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तो ट्रेवल किया ही होगा वो, तो ये दो मिनट में कितना दूरी ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट को. यहाँ पर लिख दिए हुए हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई बॉडी. तो देखिए होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. तो यही से निकल गया सामने कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, यही से निकल गया कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम. माने वेलोसिटी और टाइम जो है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा आप तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. तो जरा बताइए आप, वेलोसिटी तो पर्टिकुलर वी है यहाँ पर,
यहाँ भी वेलोसिटी v है, इस पूरे लाइन पर वेलोसिटी v है, मैंने इस लाइन में पता चल रहा है कि वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, जीरो है, इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है भाई, तो वेलोसिटी का वैल्यू है आपको इतना, ये देख रहे हैं आप, इतना, इतना का मतलब ए डी, ए डी का मतलब BC और AD तो बराबर ही है, तो वेलोसिटी अगर कहा जाए कितना है इस ग्राफ में, तो आप लिख सकते हो AD या आप लिख सकते हो BC, AD भी लिख सकते हो आप या फिर लिख सकते हो आप BC। उसी तरह से कहा जाए कि टाइम कितना है, टाइम, तो टाइम को आप लिख सकते हो CD, और CD बराबर किसके है, CD बराबर है AB के, मतलब CD और AB तो बराबर है ना भाई, और ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1 के, और ये फर्दर किसके बराबर है, तो डेल्टा T के, मतलब दो चीज निकाल ली, वेलोसिटी AD है और टाइम किसके बराबर है, CD के बराबर है, या टाइम किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब यहां से बताइए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो अगर हम निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी के जगह पर क्या है भाई AD, और टाइम के जगह पर क्या है CD, चाहे AB जो भी लिख लो, टाइम के जगह पर है CD। अब बताओ AD इंटू CD ये क्या लग रहा है, रेक्टेंगल का एरिया नहीं लग रहा है, चौड़ाई इंटू लंबाई, मतलब ये जो एरिया हुआ ये क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एरिया तो है ना भाई, तो एरिया जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। ये बात स्पष्ट हुआ इस इधर वाले इतने सारे बातों से, पता चला कि ये जो ग्राफ है इसमें जो टाइम इंटरवल दिया है इसके बीच जो शेडेड रीजन होगा, जो एरिया होगा, यह एरिया आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा, यह एरिया आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। उसी तरह से अगर यहाँ बात करें हम, यहाँ हमको निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड और टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो इसको ज़रा चेक कर लेगी कैसे कैसे इस लाइन को हमने लिख दिया। तो सबसे पहले ये बता दो आप कि स्पीड बराबर क्या होता है, यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ज़रा बता दो आप हमको डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो स्पीड को गुना कर दीजिए और टाइम को गुना कर दीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब जरा इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए, स्पीड और टाइम वाला जो ग्राफ है इस पर ध्यान दीजिए। अगर कहा जाए कि स्पीड क्या है बॉडी का, तो यहाँ से यहाँ तक का यही ना स्पीड है जी, ये स्पीड है मान लो वी, यही ना स्पीड है, मतलब ए डी, स्पीड किसके बराबर है, ए डी के। आप देख लो ए डी जो है यही ना इतना दूरी है वाई एक्सिस पर जो कट रहा है, तो स्पीड जो है वो ए डी के बराबर है, या आप लिख सकते हो बी सी के बराबर है। तो अगर कहा जाए कि स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि स्पीड ए डी के बराबर है, नहीं तो स्पीड बी सी के बराबर है। उसी तरह से टाइम कहा जाए तो टाइम किसके बराबर है, डी सी के, यही ना टाइम है, T2 माइनस T1, इतना टाइम इंटरवल के बीच बॉडी चला है, तो जो टाइम है वो है DC, या DC को आप AB के बराबर लिख सकते हैं। तो स्पीड बराबर हो गया AD इंटू BC, और टाइम बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया आपको DC, और नहीं तो आप क्या लिख दो, AB लिख दो, DC नहीं तो AB लिख दो, और ये है किसके बराबर, तो ये बराबर है T2 माइनस T1 के, जो फर्दर बराबर है डेल्टा T के।
अब बताओ इक्वेशन वन से, इसको इक्वेशन वन मान लो, इधर भी इसको आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन वन मान सकते हो इधर वाले को। तो इक्वेशन वन से हम जान रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है भाई, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसके बराबर है, स्पीड किसके बराबर है भाई, तो स्पीड बराबर है एडी के, स्पीड किसके बराबर है एडी के, दोनों में से कोई लिख दो, एडी लिख दो चाहे बीसी लिख दो। और टाइम किसके बराबर है, तो टाइम बराबर है डीसी के। अब बताओ स्पीड बराबर है एडी के और टाइम बराबर है डीसी के, तो एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी हुआ क्या, ये बेसिकली ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही हुआ ना, क्योंकि डीसी है लेंथ और एडी है ब्रेड चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो बेसिकली हम लिख रहे हैं दिस इज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, मतलब इधर स्पीड रहे तो डिस्टेंस देगा और इधर वेलोसिटी रहे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस तरीके से आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो जो ग्राफ होगा, जो एरिया जितना घेरेगा, जितना शेड करेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के, और अगर उधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको। तो एरिया गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज वेलोसिटी और वेदर देयर इज स्पीड, ये बात समझ में आया। तो एरिया जो है हमेशा डिस्टेंस को देगा, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का, जबकि इसका स्लोप किस चीज़ को देगा, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन को, स्लोप किसको बताएगा भाई, एक्सेलरेशन को। तो आई होप इतना बात समझ में आया होगा। अच्छा आपके मन में सवाल होगा कि सर आप हमेशा वेलोसिटी को ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, इस केस में पता चल रहा है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, हमेशा तो बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से नहीं होता है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो और एक्सेलरेशन जीरो हो, उसमें तो ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो, तो वहाँ के केस में हम कैसे बताएंगे एरिया को, तो उसको देख लेते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिव्स डिस्प्लेसमेंट, अगर रेक्टेंगल बन रहा है तब ट्रायंगल बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिव्स डिस्प्लेसमेंट, जो बनेगा उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और इधर स्पीड रहा तो डिस्टेंस को बताएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया हो, इसको मिटाया जाए, आई होप इतना बात तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, इतना बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कुछ और चीज। अब देखते हैं दूसरे चीज को हम, अब मान लीजिए आपसे सवाल किया जाए कि मान लीजिए ग्राफ इस तरीके का है, ग्राफ इस तरीके का है, इधर टाइम है और इधर क्या है, वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम दिया हुआ है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है,
अच्छा, ग्राफ इस तरीके से का क्या मतलब है? ग्राफ इस तरीके का होने का मतलब है, नाम दे दो ओ, इसको ए। तो ग्राफ इस तरीके से होने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रहा है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, तो वेलोसिटी तो बदल रहा है। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? यहाँ से पता चल रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होता है जब एक्सेलरेशन बॉडी में काम करता है। सो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है ये? एक्सेलरेटेड मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है ये। मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अब कहा जाए कि यहाँ के केस में मान लो आप टाइम ले लो, यहीं से टाइम बराबर ज़ीरो और यहाँ पर टी बराबर टी ले लो, टाइम बराबर टी। अब कहा जाए कि आप इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताएंगे, है ना? तो सबसे पहले तो ये देख लो आप कि ये जो नाम दे दो इसका ओ ए एंड इसका नाम दे दो बी। ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी गिव्स द वैल्यू ऑफ, गिव्स द वैल्यू ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट। गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट को बताएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ये बताइए, अगर पूछा जाए आपसे कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाई बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहां से बता दो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, है कि नहीं? अब जरा बता दो, ये इक्वेशन वन मान लो इसको आप, और ये बताओ कि इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है वेलोसिटी किसके बराबर है? तो वेलोसिटी बराबर है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v है, सपोज कर लो, तो वेलोसिटी ov के बराबर है, या ov किसके बराबर है? ab के। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि वेलोसिटी किसके बराबर है भाई? तो वेलोसिटी बराबर है ab के। किसके बराबर है? ab के। और अगर कहा जाए, और अगर कहा जाए कि टाइम किसके बराबर है, तो टाइम तो बराबर है टाइम जीरो से लेके टाइम टी तक, ओ बी, यही ना टाइम है? दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। तो टाइम किसके बराबर है? टाइम बराबर है ओ बी के, जो किसके बराबर है? टी माइनस जीरो के, जो किसके बराबर है? टी के, जिसको आप डेल्टा टी मान सकते हो। तो टाइम किसके बराबर है? ओ बी के। तो ये ए बी हो गया और ये ओ बी हो गया। अब इक्वेशन वन में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है भाई? तो इक्वेशन वन है आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर है? ए बी के। और टाइम किसके बराबर है? ओ बी के। अब ये बता दो, ए बी ये हुआ, ए बी ये हुआ और ओ बी ये हुआ, ए बी किसके बराबर है जल्दी बता दो? ए बी बराबर है ओ ओ वी के। ए बी किसके बराबर है? ओ वी के, ओ वी इंटू ओ बी, मतलब ओ बी। तो ये भी एरिया आ गया ना, मतलब कि ओ वी इंटू ओ बी कितना आ गया? ओ वी इंटू ओ बी यही ना आ गया,
OV इंटू OB, तो फिर रेक्टेंगल आ गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है कितना एरिया काट रहा है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, क्या काट रहा है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, माने एरिया ऑफ हाफ ऑफ रेक्टेंगल, और हाफ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, ट्रायंगल के, जो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और हाफ ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू ए बी, ओ बी इंटू ए बी। अब आप बता दो ये जो फॉर्मूला आया हाफ इंटू ओ बी, हाफ क्या है, हाफ है, ओ बी क्या है, बेस है, और ए बी क्या है, हाइट है, ए बी क्या है, हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस बात से एकदम स्पष्ट हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के, किसके बराबर होगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस तरीके का ग्राफ दिया हो, मतलब इस तरीके का कुछ ग्राफ दिया हो, तो ये ग्राफ जितना एरिया शेड करेगा यह एरिया किस चीज़ को देगा, यह एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट को, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो अगर इस तरीके का ग्राफ रहता, अगर इस तरीके का ग्राफ होता तो क्या करते हैं हम, जो रेक्टेंगल का एरिया होता वो निकाल लेते, वो बता देता हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो वो किस चीज़ को बता देगा, वो बता देगा हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गया, अब इतना बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो ही केस हो सकता है, एक जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो और दूसरा जब वेलोसिटी क्या हो, एक्सेलरेटेड हो या रिटार्डेड हो, जो भी हो ग्राफ तो इसी तरह से बनेगा, रिटार्डेड होता तो इस तरह से ग्राफ कुछ बनता, तो उसका एरिया ऐसे निकाल लेते हैं हम। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट को देगा, वो ट्रायंगल का एरिया भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल का एरिया भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। और उसके बाद एरिया अगर स्पीड टाइम ग्राफ का है तो वो बता सकता है डिस्टेंस को। इतना कुछ जानने के बाद अब हम सीधे इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे, प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स उसको देखते हैं किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अब हम आते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पर। प्रॉब्लम है कि फिगर रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ, क्वेश्चन नंबर वन,
फिगर रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड Find the distance covered by the particle between t is equal to 10 minutes to t is equal to 30 minutes. चलिए ग्राफ दिया हुआ है, इधर जीरो है, इधर टेन है, इधर ट्वेंटी है, इधर थर्टी है और इधर फोर्टी है। ये टाइम है मिनट्स में। टाइम कौन चीज में है भाई? मिनट्स में। और इधर दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 5, 10, 15। इधर 5 है, इधर 10 है और इधर 15 है, और 10 पर इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है। और आपको बताना है कि क्या होगा डिस्टेंस। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कैसे बना सकते हो आप। देखो इसको, तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पता चलेगा कि स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया किस चीज़ को बताता है? डिस्प्लेसमेंट को कि डिस्टेंस को? डिस्टेंस को बताता है। वेलोसिटी इधर रहता तब वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होता, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा सवाल है कि एरिया तो बहुत सारा है इसका, लेकिन कह रहा है टी बराबर 10 मिनट से लेके टी इज इक्वल टू 30 मिनट। माने टी बराबर 10 मिनट ये हुआ और टी इज इक्वल टू 30 मिनट ये हुआ। माने अब क्वेश्चन में आपको कह दिया कि इसी के बीच के एरिया को लो आप, बाकी एरिया को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का जो एरिया होगा वो बता देगा डिस्टेंस कवर्ड। क्या बता देगा? डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन कितना मिनट्स? बिटवीन 10 से लेके 30 मिनट तक चला है, मतलब 20 मिनट तक चला है। बिटवीन 20 मिनट्स ये बता देगा। अब निकालना बेहद आसान है, नाम दे दो इसका ए बी सी डी। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यही ना हो जाएगा? अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ का? डी सी लेंथ कितना है भाई? तो देखो ना, डी सी लेंथ है 10 से 30, 20 मिनट ना, 20 मिनट। और जो चौड़ाई है ए डी या बी सी, ये कितना के बराबर है? तो ये बराबर है 10 के, 0 से 10, माने 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि सारे चीज़ को तो लिख दिया गया, अब गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए। देख लीजिए, ये टाइम मिनट्स में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में, मतलब टाइम यहाँ आवर में दिया हुआ है, तो आप इसी को आवर में चेंज कर दो ना। 20/60 आवर
20/60 और दोनों सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए अभी पता चल जाएगा। अब बता दो आप डिस्टेंस होगा किसके बराबर, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एडी इंटू माने लंबाई, लंबाई डीसी है और चौड़ाई कितना है एडी है, डीसी का वैल्यू रख दो, डीसी कितना दिया हुआ है 20/60 आवर, और एडी कितना दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो आवर से आवर कट गया, सेम यूनिट रहेगा तभी ना कटेगा, और जब ये कट जाएगा तभी ना 20/60 इंटू 10 किलोमीटर आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में आ जाएगा। सेम यूनिट था तभी ना कटा, एक मिनट और एक आवर में रहता तब तो नहीं कटता, इसलिए सेम यूनिट में होना चाहिए। समझ में आया। अब इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो हो गया 20/6 किलोमीटर। 20/6 का मतलब हुआ 6 × 3 = 18 एंड 6 × 3 = 18, 3.3 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है बॉडी ने ट्रेवल किया कितने से कितने समय के बीच, t = 10 मिनट से लेकर t = 30 मिनट्स, माने इस 20 मिनट के अंदर में बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस तरह से निकल जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था ये। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ें, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मैं, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल by a particle during the time interval during the time interval t = 0 to t = 20 seconds, for which the speed time graph is given, graph किस तरीके का दिया हुआ है बच्चों, तो graph दिया हुआ है इस तरीके का, है ना। इधर दिया है 5, 10, 15 एंड 20, इधर ऐसे ऐसे करके मिला दिया हुआ है और इसको मिला दिया हुआ है, इसको भी कह रहा है 20, इसको 15, इसको 10
और इसको 5 कह रहा है और इसको कह रहा है 25। ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ऐसे करके दिया हुआ है। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए बनाने का, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेटर देन जीरो है, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको कह रहा है कहाँ से कहाँ के बीच का, टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, यही ना एरिया हुआ, ये एरिया। ये जो एरिया होगा ये किस चीज़ को बताएगा, स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये बताएगा डिस्टेंस कवर्ड इन कितना सेकेंड, जीरो से लेके 20 सेकेंड कह रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स, ये आपको दे देगा। और ये एरिया निकलेगा कैसे, तो ट्रायंगल है, अभी अभी देखे हैं कि इस तरह का अगर ग्राफ हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वही देगा डिस्टेंस का वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, डिस्टेंस नाम दे दो ट्रायंगल का ओ ए, एंड इसका नाम दे दो बी। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है जी बच्चों, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना सेकंड है 20 सेकंड, यही ना बेस है, तो हाफ इंटू 20 सेकेंड। और हाइट कितना है, तो हाइट है 20 किलोमीटर पर आर, और ये है सेकेंड। आप देख रहे हैं फिर टाइम सेकेंड में है और यहाँ पर आवर में है, तो दोनों को आप क्या कर दो, आवर में कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 20/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा मिनट, अब फिर 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा आवर, और इंटू 20 किलोमीटर पर आर, तो आवर से आवर कट गया, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 20/60 × 60 × 20 किलोमीटर। अब कितना से कितना कटेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 से 1 2, तो बच जाएगा 2/36 किलोमीटर, यही ना हो जाएगा डिस्टेंस। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी। तो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल आप निकाल सकते हैं, किलोमीटर में आ गया उसको चाहे तो मीटर में बदल दीजिए, उसको चाहे तो मील में बदल दीजिए, जो चीज़ चाहे, बट आ गया किलोमीटर में, ठीक है। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है ये कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन और, इसको मिटा दूं मैं, चलो भाई।
चलिए एक क्वेश्चन और है, एंड द क्वेश्चन इज स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बच्चों? तो स्पीड टाइम दिया हुआ है. हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी ट्रेवल, क्वेश्चन है. हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी ट्रेवल ड्यूरिंग टी बराबर 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड. जीरो सेकेंड टू 10 सेकेंड. और ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ है. इधर 0 है, इधर 5 है और इधर 10 है, 4 है और इधर 12 है. ये कितना है? 12. और ये कितना है? 4 है. मीटर पर सेकंड में है ये, मतलब ये स्पीड है बेसिकली. क्या दिया हुआ है? ये स्पीड. और इधर दिया हुआ है टाइम. क्या चीज़ के रूप में दिया हुआ है? सेकंड के रूप में दिया हुआ है. ठीक है. और ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक 120 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 60 मीटर और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50 मीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर. ऐसा करके दिया हुआ है. आपको बताना है कि क्या होगा इसका स्पीड का, इसके डिस्टेंस का वैल्यू. सबसे पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ है भाई, तो स्पीड टाइम ग्राफ होने का मतलब क्या हुआ? स्पीड टाइम ग्राफ होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्टेंस. क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस मिलेगा. क्या मिलेगा बच्चों? तो आपको मिलेगा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है. हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी इज ट्रेवलिंग कैसे निकलेगा? वही एरिया ऑफ ट्रीएंगल करके. तो डिस्टेंस ध्यान दीजिए, जो डिस्टेंस निकलेगा ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्रीएंगल. नाम दे दो ना, ओ है, ये 0 है, इसको नाम दे दो ओ, इसको ए और इसको बी. डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ ट्रीएंगल ओ ए बी. एरिया ऑफ ट्रीएंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रीएंगल ओ ए बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस तो हमको दिख रहा है, यही बेस है ओ बी. और हाइट क्या है भाई? तो हाइट है ए एम. ए एम यही ना हाइट है, ये ट्रायंगल का हाइट यही ना है. तो ए एम आप सबका वैल्यू रख दीजिए. ओ बी कितना है? तो ओ बी है 10 सेकेंड. और ए एम कितना है? तो 12 मीटर पर सेकेंड. 12 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कट गया तो बच गया हाफ इंटू 10 इंटू 12 मीटर. तो कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू 10 इंटू 12, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 12, मतलब कितना? 60 मीटर. कितना मीटर? 60 मीटर. मतलब आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से आप चाहें, अगर उसी तरह से एक ग्राफ दिया हुआ था इस तरीके से कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इस तरह से, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है. तो ये जो एरिया होगा ये किस चीज़ को बताएगा? तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा. ये अगला क्वेश्चन था, इस तरह का ही क्वेश्चन था.
उसमें दिया हुआ था चार ऑप्शन की क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, निश्चित रूप से किस चीज़ को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, अब इस तक इसका कुछ दिया रहा था समथिंग समथिंग मीटर सेंटीमीटर जैसे इसमें दिया है वैल्यू सब, तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा था क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस तरीके से आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए इतना काफ़ी है। अब इसको पढ़िए और इस पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटीज़ में उसको सॉल्व कीजिए, या स्टडी मटेरियल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।